This is लेना होता कंप्लीटली फ्री एडुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो विद प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है साथ ही आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी और उसका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का इस चैप्टर के आज के हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक है <coughs> अभी तक आप ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के कई सारे ग्लैंड्स के बारे में और उनके रेस्पेक्टिव हार्मोन्स के बारे में समझ चुके हो राइट एक बार अगर हम क्विक रिव्यू लें तो हम कितने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है हमने पढ़ा है अबाउट द हाइपोथैलेमस देन हमने पढ़ा अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड देन हमने स्टार्ट किया पीनियल से थायरॉयड पैराथायरॉयड थाइमस एड्रेनल राइट उसके बाद हमने पढ़ा पैनक्रियाज पैनक्रियाजेस्टीज ओवरीज इन सब के हॉर्मोन्स सब के बारे में आप पढ़ चुके हो आज आपको पढ़ना है हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इनके कौन कौन से रिस्पेक्टिव हार्मोन्स हैं जो यहाँ से सिक्रीट होते हैं कौन सिक्रीट करता है कौन सी सेल्स सिक्रीट करती हैं कौन सिंथेसाइज करता है कहाँ जाके अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाते हैं ये सब कुछ आपको समझना है और साथ ही आप पढ़ोगे मैकेनिज्म ऑफ हॉमोन एक्शन कि ये जितने भी हॉर्मोन्स जितने मैंने अभी आपको बताए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के और जो आप आज पढ़ने वाले हो इन सारे हॉर्मोन्स का एक्शन राइट मैकेनिज्म क्या है कैसे ये एक्ट करते हैं किस तरीके से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मैकेनिज्म आज आपको समझना है तो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और इससे पहले हम इस चैप्टर में कितना कंप्लीट कर चुके हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को वन बाय वन इन टॉपिक्स को डन करते हैं तब तक आप करते हैं फटाफट से सेशन को लाइक like और कर दे शेयर अपने सारे ही दोस्तों के साथ ओके okay? चलो स्टार्ट करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट से देखो जितने भी हॉर्मोन आप अभी तक पढ़ चुके हो राइट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जितने भी हॉर्मोन्स आप अभी तक पढ़ चुके हो ठीक है जितनी भी ग्लैंड आप पढ़ चुके हो अब आपको इतना तो पता चल ही गया है राइट नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हॉर्मोन्स अभी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन्स के बारे में तो समझ आ ही गया है हाउएवर एज मैंशन अर्लियर हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाई समिश्यूज विच आर नॉट एंडोक्राइन ठीक है हॉर्मोन्स कुछ टिश्यूज से भी सिक्रीट होते हैं जो कि कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है राइट right? टिश्यूज लेकिन कुछ टिश्यूज से भी हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं उन टिश्यूज की बात आज आपको करनी है ठीक जैसे कि एग्जाम्पल ले हम किसका एट्रियल वॉल ऑफ अ हार्ट हार्ट की एट्रियल वॉल मतलब जो एट्रियाज होते हैं ना हार्ट में चैम्बर्स होते हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल तो एट्रिया जो है उनकी वॉल राइट एट्रिया की वॉल इससे भी हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं ओके okay, देखो तो जो हमारे हार्ट की atrial wall है ये एक बहुत ही important सा ट करती है जिसे आपने एट्रियल नेटिक फैक्टर ए एन एफ कहते हो ठीक है ध्यान देना <coughs> जो हमारी एट्रियल वॉल है ना हार्ट की ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक पैप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करती है और इसे आप एट्रियल फैक्टर कहते हो जो क्या करता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है ये क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ ठीक है ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज क्या करता है ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है ओके किसकी बात कर रहे हैं हम ए एन एफ की तो ये रिलीज कहाँ से होता है सिक्रेट कहाँ से होता है एट्रियल वॉल से ओके हमारे हार्ट की एट्रियल वॉल से ये सिकरेट होता है और इसे आप ए एन एफ कहते हो ये करता है क्या ये आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने में हेल्प करता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है ठीक है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने में हेल्प कराता है कहां से रिलीज होता है एट्रियल वॉल के जो टिश्यूज है ना वहां से रिलीज होता है क्या कहते हो इसे एट्रियल नेट्रीटिक फैक्टर ए एन एफ ओके क्लियर है क्या कहानी चलो हो जाता है भाई कभी कभी ठीक है आ जाओ देखते नेक्स्ट जब ब्लड प्रेशर की बात हम कर रहे हैं कि इसको डिक्रीज करने में ये हेल्प करता है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो गई कि जिस वक्त भी अगर लगेगा कि बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो ए एन एफ होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फंक्शन उसका क्या है डिक्रीज कराना राइट तो जब बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा इंक्रीज होगा ए एन एफ सिक्रीट होगा ए एन एफ सिक्रीट होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा क्लियर कहानी देखो व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड एएनएफ इज सिक्रीटीड व्हिच कॉसेस डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स अब बस ये समझो कि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कैसे करा रहा है जो ब्लड वेसल्स वहां पर पाई जा रही हैं ये उन ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगा और इससे ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा ब्लड में प्रेशर क्रिएट क्यों होता है कॉन्ट्रैक्शंस से राइट right? ब्लड में और वेजल्स में प्रेशर क्रिएट क्यों होता है कॉन्ट्रैक्शन से अगर वो उसे डायलेट कर दे ठीक है ब्रॉड कर दे फैला दे तो फिर तो इजी फ्लो होगा प्रेशर की कोई बात ही नहीं राइट right? अगर आप किसी पाइप के थ्रू पानी बह रहा है ठीक है नॉर्मल स्पीड से बस पानी बहता जा रहा है पाइप जो है उसके थ्रू पानी जो है वो फ्लो कर रहा है कोई उसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है बिल्कुल नॉर्मल ठीक है नॉर्मल लेवल पे पानी जो है वो फ्लो कर रहा है लेकिन आप क्या कर दो उस पाइप को अगर आप कहीं से क्या कर दो उसका एरिया जो है जितना उसका पूरा कवरेज था आप उसे क्या कर दो ऐसे प्रेस कर दो तो जो प्रेशर है ठीक है कंप्लीटली क्लोज नहीं करना है पर ऐसे प्रेस कर देना है हाफ कर, कर, मतलब, कर देना है उसके एरिया को मोर देन हाफ कर देना उसके एरिया को मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देना है वहाँ से तो क्या हो जाएगा प्रेशर से पानी बाहर आएगा होता है ऐसा होता है ऐसा तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है जो रीज़न है ब्लड वेजल में क्या करने का प्रेशर को इंक्रीज करने का उस रीजन को ही अगर वो हटा दे उसे क्या कर दे डायलेट कर दे तो प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो इससे ब्लड प्रेशर क्या होगा डिक्रीज समझे बात कि यहां पर ये जो एनएफ है ये क्या कर रहा है ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा ये ब्लड वेसल में क्या करेगा डायलेशन को कॉज करेगा डायलेशन को कॉज करने की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा नॉर्मल स्टेट पर आ जाएगा ओके तो ए एन एफ जो कि रिलीज होता है एट्रियल वॉल के टिश्यूज से कराता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मतलब रिड्यूस, डिक्रीज़ करता है तो सी बात हुई जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ए एन एफ रिलीज होगा ए एन एफ रिलीज होगा तो ब्लड प्रेशर वापस से रिड्यूस हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि ये कर देगा ब्लड वेजल्स को डायलेट ठीक है तो क्या है ए एन एफ कहाँ से रिलीज होता है कब रिलीज होता है फिर क्या करता है और कैसे करता है कितने क्वेश्चन आपने आंसर किए पांच कितने क्वेश्चन आपने आंसर किए पांच कौन कौन से ए एन एफ क्या है कहां से रिलीज होता है कब रिलीज होता है ठीक है क्या करता है रिलीज होके और फिर जो करता है वो कैसे करता है रिलीज होके ठीक है तो ए एन एफ क्या है रिलीज होता है एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट के टिश्यूज से ठीक है क्या करता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है रिड्यूस करता है ठीक है कब करता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कैसे करता है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है ठीक है पांच क्वेश्चंस किसके बारे में ए एन एफ के बारे में समझ आ गए हमेशा इसी तरीके से हर छोटी से छोटी टॉपिक बड़े से बड़े टॉपिक को पढ़ो तो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रहता है ओके okay, आगे देखो अब बात कर रहे हैं हम जो जक्स्टा जक्स्टाग्लोमरुलर सेल्स है किडनी की याद है ना याद है याद है जे जी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैटस की सेल्स को ही हमने ग्लोमेरुलर सेल्स कहा था किसमें किडनी को पढ़ते वक्त बस उसी की बात कर रहे हैं ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है किडनी की ये प्रोड्यूस करती है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसे आप इराथ्रोपोइटीन कहते हो ठीक है इराइथ्रोपोइटीन कहते हो ये कहां से सिक्रीट हो रहा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी से कहां से सक्रीट हो रहा है ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी से कौन रिलीज हो रहा है इराइथ्रोपोटीन ठीक है एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है एक पेप्टाइड हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होता है जक्सटाग्लोमरुलर सेल्स ऑफ किडनी से विच स्टिमुलेट्स एरेथरोपोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी स्टिमुलेट करवाता है आरबीसी फॉर्मेशन को ठीक है स्टिमुलेट करवाता है आरबीसी फॉर्मेशन को रेड ब्लड सेल्स के ठीक है फॉर्मेशन को क्या कहते हैं इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं तो इसीलिए इसे कहा एरिथ्रोपोएसिस और इसे स्टिमुलेट कराने वाला हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन टर्म्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं ठीक है जैसी प्रोसेस वैसा नाम जैसा प्रोसेस को करवाने वाला हार्मोन है तो उसका नाम भी बिल्कुल प्रोसेस से मिलता जुलता ओके तो इसका नाम क्या हो गया इरेथ्रोपोइस करवाने वाला इरेटेन इरे कहां से आया क्योंकि इरेथ्रोसाइट्स होती हैं ये ठीक है आरबीसी फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करेगा क्लियर कहानी कहां से रिलीज हो रहा है ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी से आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जक्सट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी के बाद एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ठीक है एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है देखो हार्ट की कहानी आपने समझी राइट right? हार्ट की कहानी आपने समझी एट्रियल वाल्व वाला किडनी की कहानी आपने समझी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स वाली अब हम आ गए हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर तो यहां पर जो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड नहीं है ध्यान देना सेल्स की बात हो रही है स्पेसिफिक सेल की बात हो रही है जो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगी तो एंडोक्राइन सेल्स की बात हो रही है ग्लैंड की नहीं ग्लैंड आप सारी पढ़ चुके हो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में यहां सेल्स हैं सारी यहां सारी सेल्स टिश्यूज इनकी बात हो रही है देखो तो एंडोक्राइन सेल्स जो कि प्रेजेंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिफरेंट 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 रीजन्स में राइट right? ये सिक्रीट करेंगी फोर मेजर पैप्टाइड हॉर्मोन्स को ठीक है ये चार मेजर पैप्टाइड हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेंगी जो कि ठीक है जो कि कौन कौन से हैं गैस्ट्रिन सिक्रीटिन ठीक है कॉलेसस्टोकाइन CCK या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी ठीक है इन चार मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन्स को ये क्या करेगी सिक्रीट करेगी कौन सी सेल की बात हम कर रहे हैं एंडोक्राइन सेल्स की बात कर रहे हैं किसमें पाई जा रही हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किसमें पाई जा रही हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन पाई जा रही है एंडोक्राइन सेल्स और करेंगी क्या फोर ठीक है फोर मेजर पैप्टाइड हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेंगी विच आर गैस्ट्रिन सिक्रीटिन कॉलोसटोकाइन सी सी के और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पैप्टाइड जी आई पी ठीक है ये हुई कहानी किसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एंडोक्राइन सेल्स की बात हुई जो कि इस तरीके से चार मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन्स को सिक्रीट कर रही हैं गैस्ट्रिन सिक्रीटिन कोलोसेस्टोक सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी ठीक अब इनकी कहानी समझनी पड़ेगी कि कौन सा हॉर्मोन कर क्या रहा है ठीक है अब इनकी कहानी में ये समझना पड़ेगा कि कौन सा हॉर्मोन क्या कर रहा है तो सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिन की ये देखो सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिन की ये क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पैप्सिनोजिन ध्यान दो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है ये स्टिमुलेट करता है क्या जो गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक है हमें पता है ना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारी गैस्ट्रो ट्रैक्ट में स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक की ट्रैक्ट में क्या होती है गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर होती है जरा कॉमेंट करके बता दो फटाफट से गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती हैं स्टमक में इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में इसोफेगस में माउथ में कहा होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड फटाफट से कॉमेंट करके बता दो नाइन्थ क्लास का आंसर है राइट right? तो गैस्ट्रिन जो है वो एक्ट करता है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करवाता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एच एंड पेप्सिनोजिन ठीक है पेप्सिनोजिन क्या है प्रोफॉर्म ठीक है ये क्या है भाई ये है प्रिमिटिव फॉर्म या इसका क्या कहोगे आप इसे कि जो इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसको क्या करोगे फिर आप एक्टिव कराओगे तो क्या बनेगा ये पेप्सिनोजिन एक्टिव होके पेप्सिन राइट पेप्सिन ट्रिप्सिन ये सब सुने हैं ना हमने टर्म्स ये सारे टर्म्स हमने सुने हैं ना ट्रिप्सिन पेप्सिन देखो तो यहाँ पर गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट इन द स्टमक और करवा रहा है सिक्रीशन ऑफ एच पता है हमें कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा एक एसिड सिक्रीट कर रही होती हैं इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसे ही है इसेट करेंगी और साथ ही स्टिमुलेट करवाएंगे इनके सिक्रीशन को गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू और किसका सिक्रीशन होता है भाई पैप्सिनोजिन का ठीक है तो गैस्ट्रिन हारमोन ने क्या किया गैस्ट्रिन हारमोन ने गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या किया स्टिमुलेट किया किस चीज के लिए ठीक है उनके ऊपर एक्ट किया कि भाई चलो रिलीज कराओ क्या रिलीज करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजिन ठीक है तो गैस्ट्रिन हार्मोन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड और रिलीज कराएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजिन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एक की बात तो हो गई अब ये सिकरीटिन क्या है ये एक्ट करेगा ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास सेक्रेटिन एक्ट्स एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास कल जब हमने पैनक्रियास पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ये ऐसा है कि इसमें एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड भी हमने पढ़ी थी आइजलट्स ऑफ सेल्स ठीक है और हमने लैंगे भी पढ़ा था कि ये सिर्फ इसका वन टू टू परसेंट ही पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रही है इस पूरे टिश्यू का इसका रिमेनिंग पार्ट क्या करेगा वो एक्सोक्राइन फंक्शन करेगा ये एंडोक्राइन हो गया था ठीक है अब ये एक्सोक्राइन फंक्शन करेगा तो देखो इसका जो एक्सोक्राइन वाला पेनक्रियाज है ठीक है पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है ये उसके ऊपर एक्ट करेगा सिक्रिटेन ठीक है, ट आय ठीक है और वाटर और बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा कौन करेगा सिक्रेटिन क्या है सिक्रेटिन सिक्रेटिन वो पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पोर्शन पर एक्ट करेगा और उससे कहेगा कि भाई सिक्रीशन करो वाटर का ठीक है क्या करेगा बाइकार्बोनेट आय का ठीक अब देखते हैं आगे थर्ड वाला क्या था हमारा थर्ड वाला क्या था हमारा सी सी के कॉलोसिस्टोकाइन ये एक्ट करेगा ऑन बोथ ठीक है पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैटर दोनों पर इसका काम चलेगा और ये स्टिमुलेट कराएगा इनके सिक्रीशंस को पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को बाइल जूस को ठीक है पैनक्रियास से किसे एंजाइम एंजाइम्स को रिलीज करवाएगा और गॉल uh, ब्लैडर से किसे रिलीज करवाएगा बाइल जूस को रिलीज करवाएगा ठीक तो यहाँ पर ठीक आपका जो सी सी के है कोलेसिस्टोकाइनेन इसने क्या किया इसने दोनों पर एक्ट किया पैनक्रियास पर भी और गॉल ब्लैडर पर भी दोनों को कौन से एंजाइम सिक्रीट करने थे पैनक्रियाज को करने थे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और गॉल ब्लैडर को करने थे बाइल जूस सिक्रीट तो दोनों के सिक्रीशंस को ये क्या करेगा स्टिमुलेट कराएगा कौन सा हार्मोन सी सी के एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर ठीक ये तीन की कहानी हो गई अब बचा है मैम लास्ट अब बचा है लास्ट जी आई पी ठीक है ये क्या है ये क्या है भाई ये इनहिबिट करेगा स्टिमुलेट नहीं कराएगा इनहिबिट करेगा देखो इसके नाम में ही है ना इसके नाम में ही है ना इनहिबिटरी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहा गया? इनहिबिटरी इसके नाम में ही है सी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी ये गैस्ट्रिन है ये स्टिमुलेट करवा रहा है इसके नाम में ही है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पैप्टाइड जी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी तो इसके नाम में ही है कि इसको इनहिबिट कराना है इसका फंक्शन ही इनहिबिट कराना मतलब रोकना कंट्रोल करना जीआईपी क्या करेगा जीआईपी इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को और मोटिलिटी को सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स और कई सारे जो नॉन एंडोक्राइन ठीक है टिश्यूज़ हैं ये एक हार्मोन्स ठीक है ये कुछ ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे जिन्हें आप ग्रोथ फैक्टर्स कहते हो और जीआईपी रोकेगा कंट्रोल करेगा ठीक है इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को हमेशा थोड़ी होते रहने देने सिक्रीशंस रोकने भी तो होते हैं तो रोकने का काम कौन करेगा इनहिबिटरी पैप्टाइड करेगा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पैप्टाइड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कब रोकना है ये मेक श्योर sure करेगा मतलब ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को और मोटिलिटी को और कई सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज ऐसे भी हैं यहाँ जो कि ऐसे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जिन्हें आप ग्रोथ फैक्टर्स कहते हो जिन्हें आप ग्रोथ फैक्टर्स कहते हो और ये जो फैक्टर्स हैं दे आर दीज फैक्टर्स आर एजेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ़ टिशूज़ एंड रिपेयरिंग और रीजनरेशन ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही इजेंशियल होते हैं किसी भी टिशू और उसकी रिपेरिंग रीजनरेशन ठीक है ग्रोथ रिपेयर रीजनरेशन इन सब के लिए ये ग्रोथ हॉर्मोन्स ग्रोथ फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी टिशू की ग्रोथ के लिए रिपेरिंग के लिए रीजनरेशन के लिए ये ग्रोथ फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ओके okay. तो आज क्या क्या पढ़ लिया आपने अभी तक आपने पढ़ लिया है हार्ट की एट्रियल वॉल के टिश्यूज के बारे में जो कि क्या कर रहे हैं जो कि एक सिक्रीट कर रहे हैं हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन कौन सा था वो एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर ए, -ए फिर हमने देखा जे जी सेल्स जक्सटाग्लोम सेल्स ने सिक्रीट किया एक और हार्मोन ठीक फिर हमने देखा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसने भी ठीक है इसने भी इसकी सेल्स ने भी क्या किया ये सेल्स ठीक है एंडोक्राइन सेल्स इन्होंने सिक्रीट किए चार हॉर्मोन्स इन चारों हार्मोन्स के बारे में हमने समझा कि गैस्ट्रिन क्या है सिक्रीटिन क्या है ठीक है कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पैप्टाइड क्या है इन चारों की कहानी समझी ग्रोथ फैक्टर्स क्या है किसी भी टिश्यू की ग्रोथ रिपेयर रीजनरेशन हर एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ फैक्टर्स का होना ठीक है ग्रोथ फैक्टर्स का होना इज इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं किसके बारे में अब बात करते हैं किसके बारे में गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक्ट के तो सारे हॉर्मोन्स सबने पढ़ लिए हार्ट के पढ़ लिए किडनी के पढ़ लिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन एक्शन की। ठीक है अभी तक आप सारे ग्लैंड के हॉर्मोन पढ़ चुके हो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हॉर्मोन पढ़ चुके हो हार्ट के किडनी के जो सेल सेल्स रिलीज होने वाले वो पढ़ चुके हो अब इन सारे हॉर्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये कैसे एक्ट करते हैं कैसे अपना मोटिव पर्पज़ जो है वो सॉल्व करते हैं इस मैकेनिज्म को समझना है एट लास्ट ठीक है चैप्टर के एट लास्ट टॉपिक में आपको इस मैकेनिज्म को अब समझना है जिसे हम करने जा रहे हैं स्टार्ट तो एक बार जरा पूछना मेरा बनता है कि फटाफट फड़ से बताओ कि जितने भी अभी तक हमने हॉर्मोन्स पढ़े हैं ग्लैंड पढ़ी हैं ठीक है ऑर्गन्स की ग्लैंड और उनके हॉर्मोन इस तरीके से पढ़ा है तो क्या ये ग्लैंड वाला हॉर्मोन वाला टॉपिक अभी तक का क्लियर हो गया है अब स्टार्ट करते हैं अपन मैकेनिज्म से मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन एक्शन स्टार्ट करते करते हैं हैं ऑफ हार्मोन एक्शन से से कि हार्मोन्स हार्मोन्स किस तरीके अपना काम प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक जिन्हें आप हार्मोन कहते हो ठीक है जिन्हें आप हार्मोन रिसेप्टर कहते हो देखो हार्मोन क्या करते <laughs> हॉर्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज टारगेट टिश्यूज पर ये अपना इफेक्ट कैसे दिखाते हैं बाइंड करते हैं बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स या फिर डायरेक्टली लिखो कि बाय बाइंडिंग बाय बाइंडिंग टू हॉर्मोन रिसेप्टर्स ठीक है अब ये हॉर्मोन रिसेप्टर्स क्या है स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं ये हार्मोन रिसेप्टर्स क्या हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं ठीक है, है. तो हार्मोंस क्या करते हैं अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय बाइंडिंग टू हार्मोन रिसेप्टर्स हार्मोन के रिसेप्टर से बाइंड होके ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं टारगेट टिश्यू के ऊपर ठीक है टारगेट टिश्यू पर ये अपने हार्मोन रिसेप्टर के थ्रू जाके बाइंड हो जाते हैं बाइंड हो के उसे बोलते हैं कि भाई ये करो वो करो ये रिलीज़ करो वो रिलीज करो इसको रिलीज़ करना बंद करो ठीक है डायलेट करो ये सारे सारे जितने भी इनके फंक्शन है जो भी इनका टारगेट फंक्शन है वो ये कर देते हैं कैसे कर देते हैं हॉर्मोन रिसेप्टर की हेल्प से टारगेट टिश्यू पे जाके बाइंड हो के अब ये रिसेप्टर क्या है हार्मोन्स के रिसेप्टर क्या है कुछ नहीं है स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स है अच्छा ये होते कहाँ पर हैं हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज ओनली ये टारगेट टिश्यूज में ही होते हैं आप समझो ना कि रिसेप्टर का मतलब क्या होता है रिसीव करने वाला रिसीव करने वाला कहाँ पर होगा जहाँ इन्हें जाना है राइट right? अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे यहां से आगरा जाना है तो मुझे रिसीव करने वाला इंसान क्या यहां भोपाल में होगा क्या ऑब्वियस सी बात है ना वो वहीं होगा आगरा में तभी तो मुझे रिसीव करेगा अदरवाइज वो यहां बैठा रह रहे मैडम को रिसीव करना है तो मैडम तो आगरा में जा रही है ना भोपाल में कैसे रिसीव कर लोगे कहा होना पड़ेगा रिसीव करने वाले को आगरा में होना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है राइट ऑब्वियस सी बात है तो बस वैसे ही कहानी है इन्हें रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कहा होने चाहिए टारगेट टिश्यू पे जहां ये, ये, ये टिश्यू के ऊपर अपना एक्शन दिखाने इसका जो क्या होना चाहिए रिसीविंग एंड इसका जो रिसेप्टर होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए टारगेट टिश्यू पर ही होना चाहिए ना तभी तो इसे रिसीव करेगा वो वहां पर जब ये वहां जाएगा राइट तो रिसीविंग वाला पोर्शन मतलब रिसेप्टर कहाँ होगा टारगेट टिश्यूज पर ही होगा आप ये समझो कि अगर मुझे यहां से आगरा जाना है तो रिसीविंग मतलब कि रिसेप्टर्स जो हैं वो मुंबई में होके क्या कर लेंगे दिल्ली में होके क्या कर लेंगे कहीं भी दूसरी दुनिया के कोने में होके क्या कर लेंगे रिसीव तो नहीं कर पाएंगे ना रिसीव करने वाले रिसेप्टर कहाँ होने चाहिए उन्हें होना चाहिए आगरा में क्यों क्योंकि मुस्कान मैम का डेस्टिनेशन क्या है आगरा है राइट right? तो वैसे ही जो स्पेसिफिक हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रिन उसको एक्ट करना है किसके ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ होने चाहिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में होने चाहिए कि हाँ गैस्ट्रिन आएगा तो हमें उसे यहाँ से रिसीव करना है इस कैप के थ्रू यहाँ से लेके जाना है राइट right? तो जो भी टारगेट ऑर्गन है जो भी टारगेट लोकेशन है वहां होना चाहिए उसके रिसेप्टर्स तो हमेशा याद रखना हार्मोन अपना एक्शन कैसे दिखाते हैं स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर्स के थ्रू बाइंड होकर हार्मोन रिसेप्टर्स कहा होंगे हार्मोन रिसेप्टर्स उसके स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल पर होंगे क्लियर है कहानी इतनी टारगेट ऑर्गन, टिश्यू या सेल पर ही हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे हार्मोन वहां जाएगा उसको तो तो कहानी था क्या एक में खत्म हो गया इतना सिंपल था क्या इतना भी सिंपल नहीं है हाँ डेफिनेशन जरूर यहाँ पर क्लियर हो गई ठीक है डेफिनेशन जरूर यहाँ पर क्लियर हो गई पर इतना भी सिंपल नहीं है पिक्चर अभी बाकी है जाओ हॉर्मोन रिसेप्टर्स क्या करेंगे कहानी तो अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेगी अभी तो पहली स्टेप आई है हॉर्मोन रिसेप्टर्स क्या करेंगे जो सेल की मेम्ब्रेन पर ठीक है टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पर जो हॉर्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं आपने कहा ये करेंगे क्या कैसे ये हार्मोन को अपने साथ बाइंड करवाएंगे ये भी तो पढ़ना पड़ेगा है पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा हार्मोन रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट है टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स इन्हें कहते हैं हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल और वो रिसेप्टर्स ठीक है मेम्ब्रेन पर जो है वो तो मेम्ब्रेन बाउंड हो गए और जो टारगेट सेल के अंदर है उन्हें क्या कहोगे उन्हें कहते हो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऑबवियस है ऑबवियस है क्योंकि वो सेल के अंदर है ना इंट्रावर्ड तो हमेशा सेल के अंदर के लिए यूज होता है कितनी बार तो मैडम आपने बता दिया और मैम प्लीज अब फिर से वही एग्जाम्पल मत दे देना इंट्रा मतलब अंदर और इंटर मतलब एक दूसरे के बीच में ठीक है जैसे आप एग्जाम्पल देती हो बात बात पे हमें बार बार एक ही एग्जाम्पल देती हो आपके बेटा इंट्रा ठीक है इंट्रा मतलब अंदर जैसे अगर आपके स्कूल के ही अंदर ठीक है कोई एक्टिविटी होगी तो वो क्या होगी कैसी एक्टिविटी होगी इंट्रा मतलब अगर कोई एक्टिविटी ऐसी होगी कि मैम दो स्टेट के बीच में है तो कैसी होगी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन राइट किस किस को याद है ये एग्जाम्पल मेरा चलो तो कमेंट आप सभी ने तो ज़रूर किया होगा क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा बार वो एग्जांपल मैंने दिया है ना आपको इंटर स्कूल वाला ताकि बैठ जाए दिमाग में कि इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल के बीच में राइट और इंट्रा मतलब अंदर राइट तो इंट्रा एंड इंटर वाला एग्जांपल हम बहुत बार ले चुके हैं बस वैसी ही कहानी है यहाँ पर इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स की इंटरा सेल्यूलर रिसेप्टर मतलब ये सेल के अंदर पाए जाएंगे और जो उसकी मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहलाएंगे अब बात करें अगर हम किसकी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे ऑब्वियस देखो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे टारगेट सेल पे अब टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मेम्ब्रेन के भी अंदर मतलब सेल के अंदर तो इंट्रा रिसेप्टर न्यूक्लियस के भी अंदर तो इंटर बताओ 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 फिर कहाँ हो गया इंटर नहीं होगा फिर न्यूक्लियर हो गया ठीक है न्यूक्लियर रिसेप्टर तो इस तरीके से आप रिसेप्टर को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग नाम दे दोगे कि वो कहां पाया जा रहा है लोकेशन के अकॉर्डिंग ठीक है लोकेशन के अकॉर्डिंग आप उसे नाम दे दोगे रिसेप्टर को तो एक्शन आपको क्लियर हुआ तो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं कहां पर टारगेट ऑर्गन टिश्यू या सेल पे ठीक है जो भी टारगेट सेल है वहाँ पर रिसेप्टर पाया जाएगा ताकि हार्मोन आए और अपने रिसेप्टर्स से क्या हो जाए आके बाइंड हो जाए बाइंड हो जाए और अपना एक्शन दिखाए ठीक अब बाइंड होने के लिए आपने इन्हें लोकेशन के बेसिस पर नाम दे दिया कि अगर मेम्ब्रेन पर है तो मेम्ब्रेन बाउंड अंदर है सेल के तो इंट्रा सेल्युलर और न्यूक्लियस पे है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर ठीक है इस तरीके से आपने इन रिसेप्टर्स को नाम दे दिया है तीन तरीके से अब बात करते हैं बाइंडिंग की कि ये रिसेप्टर से आके हार्मोन बाइंड कैसे होगा और फिर एक्शन कैसे दिखाएगा ठीक है तो जो हार्मोन है बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इससे बनेगा एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ठीक है जो हार्मोन है ये जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे आप हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हो ठीक है <coughs> कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा जैसे आप हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हो हर एक रिसेप्टर स्पेसिफिक है टू वन हॉर्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक हर एक रिसेप्टर एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है इसीलिए आप कहते हो दैट रिसेप्टर्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक टू देयर स्पेसिफिक हार्मोन हमेशा वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर ही होते हैं तो इसीलिए आप कहते हो कि रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक हर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा ऐसा नहीं है कि एक ओपनिंग है एक गेट बना दिया हमने घर का मेन गेट और इसी से सब आए सब जाएं जो घर के मेंबर्स हैं वो भी जो गेस्ट हैं वो भी सब इसी से आए जाएं नहीं वो कह रहे हैं कि हर एक के लिए एक अलग रिसेप्टर है हर एक के लिए एक अलग ओपनिंग है इसको इस दरवाजे से आना है इसको इस खिड़की से आना है इसको कूद के आना है इसको छत से आना है राइट right? तो हर एक के लिए क्या है रिसेप्टर्स रिसीविंग पॉइंट्स अलग अलग हैं तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू इट्स हॉर्मोन अब बात करते हैं हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है नाम सुनने में बहुत लेंदी लगता है ना हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अब ये कॉम्प्लेक्स जो बना है इन दोनों का इसका जो बनने का प्रोसेस है ठीक है इससे क्या होता है इससे कई सारी कुछ ऐसी बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू के ऊपर जहाँ जाके ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना मान लो मैं एक सेल बना लेती हूँ ठीक है और मैं इसके दो सींग निकाल देती हूँ ठीक है मान लो ठीक है करने में क्या जाता है ठीक मान लो मैंने यहाँ पर ये यह बनाया और ऐसे इसके दो ऐसे सींग निकाल दिए हालांकि हम इसका बढ़िया वाला डायग्राम अभी देखने वाले हैं बट ठीक है ना आ जाओ अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आ रहा है हारमोन ठीक है यहाँ पर ये यह आ रहा है हारमोन ये हारमोन आ रहा है ठीक ऐसे ही कुछ भी मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर आपको बताने के लिए कि फिक्स होंगे ना या केस में तो इसका जो स्पेसिफिक ठीक है इसका जो स्पेसिफिक इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं हम इसका जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा ना उसमें बिल्कुल इसी के जैसे शेप होंगे अगर इसका शेप ऐसा है तो इसके रिसेप्टर का शेप भी ऐसा होगा ठीक है ताकि ये जाके इसमें क्या हो सके फिट हो सके और इनका दोनों का ही कॉम्प्लेक्स बने कोई दूसरे शेप का हार्मोन आके इसमें मॉलिक्यूल आके फिट नहीं हो सकता ये इसी में आके फिट हो जाए ठीक अब ये जब बनाएगा ना कॉम्प्लेक्स तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से ये जब आके इसमें फिट हो जाएगा तो इसके बनने की वजह से इसके ठीक है इस टिश्यू इस टारगेट सेल टिश्यू जो भी ये है इसके ऊपर होंगे कई सारे ठीक है इसके अंदर आएंगे कई सारे बायोकेमिकल चेंजेस ठीक है बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो उस पर्टिकुलर जिस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है उस टिश्यू सेल ऑर्गन पे क्या आएंगे बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे ये बायोकेमिकल चेंजेस क्या होंगे ये बायोकेमिकल चेंजेस क्या होंगे ये बायोकेमिकल चेंजेस क्या होंगे जो टारगेट टिश्यू है ना भाई ग्रीन का मतलब यार ये पिंक क्यों समझता है जो टारगेट टिश्यू है ठीक है द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हैंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स तो ये हॉर्मोन्स से फिर जो टारगेट टिश्यू है आप ये समझो ना कि ये हार्मोन जाके उसके रिसेप्टर से बाइंड टारगेट मैसेज लेके उसको बोलना है गैस्ट्रिन को के सिक्रीट करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे कैसे नहीं करोगे करना पड़ेगा तो क्यों गया है वो वहां पर ताकि वो एक काम करवा सके उससे राइट राइट एक काम करवा सके तो ये हार्मोन जब वहाँ जाएगा तो उसमें चेंजेस इंड्यूस करेगा चेंजेस इंड्यूस करेगा और अपने अकॉर्डिंग फंक्शन को करवाएगा तो यहाँ पे क्या होगा जो टारगेट टिश्यू है ना उसके मेटाबॉलिज्म पर भी और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर भी फर्क पड़ेगा है ना वो चेंज होंगे या तो अगर उसको सिक्रीट करवाना है तो सिक्रीट करवाएगा इनहिबिट करवाना है तो इनहिबिट करवाएगा पर चेंजेस तो इंड्यूस करेगा ना क्यों जाके बैठने के लिए थोड़ी गया है हार्मोन घूमने के लिए चेंजेस करवाने के लिए गया है फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए गया है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो जो टिश्यू है टारगेट जो ऑर्गेन उसकी एक्टिविटी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंजेस आएंगे ठीक है इतनी बात तो क्लियर हो गई इतनी बात तो क्लियर हो गई कि मैम आने ही है फालतू में थोड़ी गया है हार्मोन चेंजेस करवाने ही गया तो चेंजेस आएंगे बिल्कुल आएंगे कब आएंगे जब वो जाके बाइंड हो जाएगा हवा में नहीं ए मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ काम शुरू कर दो ऐसा थोड़ी होता है ये अपना वो कॉल थोड़ी चल रहा है हाँ मैं आ रहा हूँ पांच मिनट में आ रहा हूँ पांच मिनट में आ रहा हूँ सब रेडी कर दो लगा दो खाना ठीक है ऐसे नहीं होता यार जब वो जाके बाइंड हो जाएगा ना कॉम्प्लेक्स बना लेगा उसके साथ उसके बाद ही चेंजेस आएंगे ठीक अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर इसके केमिकल नेचर के बेस पर हॉर्मोन्स को आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग ग्रुप्स में आप इतनी जब से पूरा ये लेक्चर सुन रहे हो प्रीवियस लेक्चर को पढ़ रहे हो उससे प्रीवियस लेक्चर को आपने पढ़ा हार्मोन की जितनी भी कहानी आपने पढ़ी आप हर जगह सुन रहे हो ना ये एक पेप्टाइड हॉर्मोन है है ना ये एक स्टेरॉइड हॉर्मोन है ये एक आइडोथायरइन है पढ़ा था हमने तो ये सारे जितने भी आप इतने टाइप इनके पढ़ रहे हो तो जिस तरीके का इसका नेचर है ठीक है जिस तरीके का इसका केमिकल नेचर है कि ये पेप्टाइड है कि केमाइनो एसिड है स्टेरॉइड है जो भी है तो उसके बेसिस पर आप इन हॉर्मोन्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो ठीक है बेस्ड ऑन इट्स केमिकल नेचर ध्यान देना हॉर्मोन को आप डिफरेंट ग्रुप्स में जो डिवाइड कर रहे हो वो किसके बेसिस पर कर रहे हो बेस्ड ऑन इट्स केमिकल नेचर उसके केमिकल नेचर पर बेस्ड आप उसे क्या कर रहे हो डिवीजन दे रहे हो ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप में डिवीजन दे रहे हो आप सबसे पहला तो यही पेप्टाइड पेप्टाइड सबसे ज्यादा सुना है आपने तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हॉर्मोन्स पेप्टाइड पेप्टाइड, होता क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड, पॉली पेप्टाइड, प्रोटीन सब आपस में जुड़े हुए खेल हैं सारे कैसे जुड़े हुए हैं देखो एक बार समझ लेते हैं ये अमाइनो एसिड भी यहीं पे समझ आ जाएगा आपको अमाइनो एसिड्स, ये अपने आप से क्यों कलर दे रहा है अरे वाह ऐसा है क्या अरे वाह अरे वाह तारीफ कर दी तो अब नहीं करोगे अरे वाह ठीक है तो देखो ये क्या बना दिया मैम आपने ऐसा लग रहा है आपने कोई खिलौना बना दिया छोटे बच्चों वाला नर्सरी के जी वालों का नहीं मैंने बनाई है चेन ठीक है ध्यान से समझो ये जितने भी आपको हरे हरे गोला 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 दिख रहे हैं ना ये सब क्या है ये सब है अमाइनो एसिड्स ये सब क्या है अमाइनो एसिड्स ठीक है ये भी अमाइनो ये भी अमाइनो सब पे ए लिख देती हूँ मैं ये सब अमाइनो एसिड्स हैं अलग अलग अमाइनो एसिड्स ठीक है ग्लाइसिन वेलिन राइट इस तरीके से तो ये सब अमाइनो एसिड्स हैं ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड ठीक है ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड आपस में सॉरी <coughs> 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 hmm. ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं किसके थ्रू ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ध्यान देना पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं ठीक ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और इसी को आप कहते हो अमाइनो एसिड्स की चेन अमाइनो एसिड्स की चेन ठीक है चेन ऑफ अमाइनो एसिड और ये जो अमाइनो एसिड की चेन होती है यही क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड हो चुके होते हैं इसे आप क्या कहते हो पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हो ठीक है पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हो इसी को इसी को आप पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हो या पॉलीपेप्टाइड कहते हो ठीक है चेन ना भी कहो पॉलीपेप्टाइड कहते हो ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए अमाइनो एसिड की चेन को लॉन्ग पॉलीमर को आप पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हो और ये पॉलीपेप्टाइड यही पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं यही तो प्रोटीन्स होते हैं यही तो प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग प्रोटीन की अलग अलग चेन होती है अलग अलग चेन होना मतलब उसमें अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं ठीक है अलग अलग अमाइनो एसिड्स के ग्रुप्स होते हैं तो इसी से प्रोटीन बनता है तो समझ आई कहानी कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म्स हैं पेप्टाइड अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म्स हैं अब देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे खैर हॉर्मोन्स की ग्रुपिंग की तो ये जो पेप्टाइड वाले पॉलीपेप्टाइड वाले प्रोटीन वाले जो हॉर्मोन्स हैं यहाँ पर अमाइनो एसिड इससे अलग क्यों हो गया अमाइनो एसिड इससे अलग क्यों हो गया अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट है है ना अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट है सारे अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ जब दिया है तब बनी है पॉलीपेप्टाइड चेन तो पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है ये एक ग्रुप हो गया एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा इंसुलिन, ग्लूकागन पिट्रूट्री हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सब इस टाइप के हार्मोन्स हैं ये सब इसी टाइप के हार्मोन्स हैं ठीक है प्रोटीनेशियस कैसे हारमोन्स हैं प्रोटीनेशियस हारमोन्स पेप्टाइड हारमोन्स ओके okay. जो तुम एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये सारे पेप्टाइड प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल हो गए सेकेंड अब देख लेते हैं हम स्टेरॉइड्स की कहानी स्टेरॉइड्स की कहानी इसमें क्या होंगे लिपिड वाले राइट right? लिपिड्स देखो कॉटिजोल टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोडायोल प्रोजेस्टेरोन सब सुने हुए हैं ना आपने ईस्ट्रोजन ये सारे जो आपने हॉर्मोन सुने हैं ये सब कैसे हैं स्टेरॉइड्स कैसे हैं ये सारे स्टेरॉइड्स ठीक है ये सारे कैसे हैं स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स कैसे कहोगे इन्हें स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स एक ग्रुप क्या बताया पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स का दूसरा बताया आपने स्टेरॉइडल हार्मोन्स का एग्जाम्पल ले लिया आपने टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्राडायोल कॉटिजोल प्रोजेस्टेरोन का ठीक है थर्ड ग्रुप देखते हैं क्या बताया हमने थर्ड ग्रुप बताया हमने आयोडीन वाले ठीक है आइडोथायरोस आयोडीन वाले स ठीक है जिनके लिए होना जरूरी है क्या आयोडीन ये है थारॉयड हारमोन्स ये थारॉयड के हॉर्मोन्स थे पढ़ा था ना वहां पर हमने थाड पैराथायरॉयड में थायरॉयड के लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि आयोडीन का मात्रा बना होना जरूरी है बिल्कुल सफिशियंट अब बात करते हैं हम लास्ट अमाइनो एसिड की अमाइनो एसिड डेरीविटिव में एग्जाम्पल हमने पढ़ा है किसका एपाइनफ्राइन एड्रेन का किसका एग्जाम्पल है ये अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है ठीक अमाइनो एसिड के कुछ डेरीवेटिव ये सब क्या बनते हैं अमाइनो एसिड डेरीवेटिव ये भी हॉर्मोन होते हैं ये वाला ग्रुप में एग्जाम्पल आप लोगे का ठीक है इस तरीके से आपने क्या किया हॉर्मोन को उसके केमिकल नेचर के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड किया ठीक है हॉर्मोन्स को उसके केमिकल नेचर के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया क्लियर है क्या इतनी कहानी अब देखो हमें कुछ डायग्राम को समझना है कुछ प्रोसेस को समझना है ध्यान दो यहां तक क्लियर है <coughs> यहां तक डन है है लेक्चर अपना हो गया है। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और बाकी छोटी सी कहानी और बाकी देखो यहाँ क्या हुआ हार्मोन जो कि इंटरैक्ट करेगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ ठीक है हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ जब रिएक्ट करता है रिएक्शन कैसे चलती है तो ये नॉर्मली जो है ठीक है टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करता जो मेम्ब्रेन बाउंड हम रिसेप्टर की बात कर रहे हैं ना तो फिर ये टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करता लेकिन जनरेट करता है सेकेंड मैसेजर्स को जिन्हें आप क्या कहते हो साइक्लिक ए एम पी आई पी थ्री कैल्शियम आय एटसेट्रा विच एंड टर्न रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबोलिज्म जो कि आगे जाके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को फिर रेगुलेट करते हैं क्या मतलब हुआ इस बात का डायग्राम से समझेंगे एक बार थ्योरी समझो इस बात का मतलब क्या हुआ देखो हमने दो टाइप पढ़े हैं एक हमने पढ़ा मेम्ब्रेन बाउंड एक हमने पढ़ा इंट्रा सेल्युलर एक हमने पढ़ा न्यूक्लियर है ना रिसेप्टर्स के यही टाइप हमने पढ़े मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर तो जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है राइट right? जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है अगर उसे सेल के अंदर ही जाना होता तो फिर इंट्रा सेल्युलर वाले से वो डिफरेंट कैसे हो जाएगा नहीं हो पाएगा ना इंट्रा सेल्युलर वाला भी तो सेल के अंदर ही जा रहा है तो मेम्ब्रेन बाउंड वाला सेल के अंदर नहीं जाएगा वो सिर्फ मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होगा मेम्ब्रेन तक रहेगा सीमित वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा क्लियर कहानी मेम्ब्रेन बाउंड वाला रिसेप्टर की बात हम कर रहे हैं ये हार्मोन उसी के साथ रह के सिर्फ कॉम्प्लेक्स जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा मेम्ब्रेन तक सीमित रहेगा सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा ठीक है और अब अगर सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा तो फिर अपना फंक्शन कैसे दिखाएगा वो सेकेंडरी मैसेजर्स को डेवलप करेगा अंदर जाने के लिए वो सेकेंडरी मैसेजर्स को भेजेगा खुद नहीं जाएगा सेकेंडरी मैसेजर्स जैसे कि आय एम पी और ये सब कुछ और उससे फिर अपना वो सेल्युलर मेटाबोलिज्म में जो भी चेंजेस कराने वो करा देगा सेकेंडरी मैसेजर्स से कराएगा लेकिन ठीक है सेकेंडरी मैसेंजर से कराएगा खुद नहीं जाएगा अंदर उसे खुद जाना होता तो फिर उसमें और इंट्रा में फर्क क्या बचता राइट right? चलो आप देखते हैं इसका डायग्राम uh, क्या दिख रहा है आपको इस डायग्राम में <Irene Lutheran humming> <cry> <bacteria> <speakingEvet> देखिए भाई यहां आपको दिखाई दे रही है सेल मेम्ब्रेन किसकी सेल मेम्ब्रेन है ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है ठीक है ओवरी की सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है इसमें आपको प्रोसेस क्या दिख रही है राइट मेमब्रेन बाउंड रिसेप्टर, 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 रिसेप्टर right? हो गया ये इस रिसेप्टर से हार्मोन आके बाइंड हो गया कौन सा हॉर्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन पढ़ा था ये हमने कल राइट एफ और एल पढ़े थे हमने कल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके इसके मेमब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड हो गया इसने बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया लेकिन ये हार्मोन देखो ये हार्मोन अंदर नहीं गया है सेल में ये ओवरी के अंदर नहीं गया है कौन जाएगा अंदर पहला रिस्पॉन्स जनरेट हुआ रिस्पॉन्स वन और इस फर्स्ट रिस्पॉन्स से क्या हुआ सेकेंडरी मैसेजर जनरेट हुआ ठीक है सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ जो कि आगे जाके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में चेंजेस करवाएगा सेकेंडरी मैसेंजर कौन जनरेट हुआ है साइक्लिक ए और कैल्शियम आयंस ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा अब ठीक है क्योंकि अब केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स से जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने थे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब जो चेंजेस आने थे इसके अंदर वो आने शुरू हो जाएंगे ठीक है इस सेकेंडरी मैसेंजर वाले एक्शन से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएंगे और वो फिजियोलॉजिकल को इंड्यूस करवाएंगे ये फिजियोलॉजिकल क्या होंगे कि जो ओवेरियन ग्रोथ है जो होनी है जो काम है एफ का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है फॉलिकल्स को ग्रो करवाना मेच्योर करवाना तो यहां पर ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ उनका मैचुरेशन ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने थे वो आने शुरू हो जाएंगे ठीक तो इस तरीके से आप देख रहे हो ऑफ एक्शन एग्जाम्पल भी आपने ले लिया कि मान लो ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है ये इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है ये आया हार्मोन कौन सा एफ एस एच इसने इसके साथ बाइंड किया बनाया इसने क्या इसने बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पर ये रहा मेम्ब्रेन तक सीमित हार्मोन अंदर नहीं आया अंदर आया क्या सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर को फर्स्ट रिस्पांस यही था कि मैसेंजर को जनरेट करो साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयंस को फिर यहाँ से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आया बायोकेमिकल केमिकल रिस्पॉन्स से जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था जो ग्रोथ दिखनी थी वो दिखनी शुरू हो गई तो इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ हॉर्मोन एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में चेंजेस करवाता है खुद अंदर एंटर नहीं करता अगर खुद अंदर एंटर करता तो फिर इंट्रा सेल्युलर वही हो जाता मेम्ब्रेन बाउंड क्यों होता ठीक है ना क्लियर है कहानी इतनी ये वाला मैकेनिज्म क्लियर है अब बात करें हम इंट्रा सेल्युलर की जो खुद अंदर जाता है जो खुद अंदर जाता है हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंट्रा सेलुलर रिसप्टरस वो हॉर्मोन्स जो कि इंट्रा सेल्युलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं जैसे कि स्टेरॉइड हॉर्मोन आइडोथायरोनस तो ये कैसे एक्ट करेंगे ये मोस्टली जो जीन एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं बाई द इंटरेक्शन ऑफ हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सोम कॉम्प्लेक्सोम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है ये सारे फंक्शन ये कराएगा देखो हॉर्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन ठीक है हॉर्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन यूट्राइन सेल मेम्रेन से अंदर एंटर किया एंटर कर करके इसका ठीक है इंट्रा सेलुलर है ना ये इसका रिसेप्टर तो सेल के अंदर है इसका रिसेप्टर सेल के अंदर आके ठीक है सेल के अंदर आके इसका जो रिसेप्टर था हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये देखो यहाँ बना इस रिसेप्टर पे ये हार्मोन आके क्या हो गया रिसीव हो गया इसने क्या करवाए इसने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जनरेट करवाया टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन को क्रॉस करवाया जो जीनोम था उससे एम आर एन ए बना प्रोटीन बना मतलब रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सारी प्रोसेस चली ठीक तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि हार्मोन जो कि अंदर जाके एक्ट करता है वो कैसे करता है वो अंदर उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल के अंदर उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है ठीक है बायोकेमिकल रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट्स ये जो यहाँ पर ठीक है इन रिसेप्टर्स के थ्रू बायोकेमिकल एक्शन हो रहे हैं इसी से ये सारे फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल चेंजेस आप देखने को आपको मिल रहे हैं कि कैसे ओवेरियन uh, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है कैसे यहाँ पर टिश्यू की ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ये सब कुछ इन्हीं के रिस्पॉन्स के थ्रू होता है ठीक है इन्हीं के रिस्पॉन्स के रिजल्ट में होता है या इन्हीं का रिस्पॉन्स है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ठीक है तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा जो कि बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड था क्या क्या आपने यहाँ पर देखा आपने समझा कि आ, आपके हार्ट किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो कि ग्लैंड नहीं है एंडोक्राइन सेल्स आप इन्हें कह रहे हो वो सिक्रेट करती हैं कुछ ऐसे हॉर्मोन्स को राइट उन हॉर्मोन्स के बारे में हमने समझा उनका फंक्शन समझा फिर एट लास्ट हमने समझा कि भाई पूरे चैप्टर में इतने सारे जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े हॉर्मोन्स पढ़े ये हॉर्मोन आखिर काम कैसे करते हैं हमने देखा कि इनका बनता है एक कोई इनका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है रिसेप्टर्स को भी हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर फिर हमने देखा कि यार हॉर्मोन्स भी अलग अलग केमिकल नेचर वाले हैं तो केमिकल नेचर के बेसिस पर हमने हॉर्मोन्स को भी कुछ कैटेगरीज में ग्रुप्स में डिवाइड किया ठीक फिर हमने देखा कि ये रिसेप्टर के साथ एक्शन कैसे करते हैं किस तरीके से इनका रिएक्शन चल रहा है रिसेप्टर के साथ तो हमने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और इनके रिएक्शन को समझा मैकेनिज्म को समझा कि मेम्ब्रेन बाउंड कैसे एक्ट करता है और इंट्रा सेल्यूलर कैसे एक्ट करता है कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को कराता है विद एग्जाम्पल हमने दोनों केस को समझा ठीक है तो ये था हमारा आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करो शेयर करो सबके साथ कमेंट जरूर करके जाना कि कितना समझ में आया है ठीक है हार्मोन और रिसेप्टर के बीच की कहानी आज हमने बढ़िया तरीके से समझी है आपको इस चैप्टर को कम्प्लीटली कंप्लीटली क्या करके रखना है क्रिस्प रिवाइज करते रहना है साथ में पेंडिंग नहीं छोड़ना है क्योंकि ये लास्ट चैप्टर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का है इसके बाद प्लांट्स की कहानी शुरू हो जाएगी फिर ये सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो दिमाग घूम जाएगा कंफ्यूजन क्रिएट होंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होने से पहले ह्यूमन का साब खत्म कर लेना ठीक है कुछ भी अगर बाकी रह गया है तो फटाफट -फड़ से चले जाना प्ले सेक्शन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्ले और लाइव लेक्चर्स की प्ले आपको सेपरेटली मिल जाएगी वहां से आप सारे लेक्चर्स को अवेल कर सकते हो कहीं आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है सिर्फ क्लास इलेवेंथ ही नहीं किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक आपको सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट और आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी लिंक उसके लिए आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टल देन बाय बाय टेक केयर एवरीवन